देख सकते हो आप, ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर लेके आए हैं बच्चे। इधर लाओ पास में। तो देखो ये कल मेले में गए थे तो मेले में से लेके आ गए, तो अभी उड़ा के बताएंगे आपको, ठीक है। देखो ये उड़ा के बता, तो ये उड़ा के बताएगा आपको, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाय, आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। और गाइस देख सकते हो अभी मैं कहाँ पे हूँ, आसपास का माहौल देखो एक बार, ठीक है। तो मैं फाइनली गांव से घर आ चुका हूँ। तो करीबन मेरे को 2 दिन हो गए गांव से आए हुए और आज ब्लॉग बनाया मैंने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ हर बार कुछ ना कुछ, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मैं आ गया हूँ फाइनली गांव, ठीक है। तो 2 दिन हो गए मेरे को और अपने शादी में फुल इन्जॉय किया। कैसे वहाँ पर मस्त बारात में गए और हमारे जो गाँव के दोस्त हैं मेरे मस्त, ठीक है, तो उनके साथ बहुत मज़े किए और बारात में गए, नाचे कूदे एकदम मस्त। वहाँ की फीलिंग तो कुछ अलग ही थी। तो आई मिस यू माई ऑल फ्रेंड्स। तो वहाँ शादी में मैंने मेरे दोस्तों को और जो मेरे कज़न लोग थे उनको सबको बहुत मिस किया, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आया था हमको गांव पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर चलेंगे एक बार फिर वहाँ पे, ठीक है। तो अभी का सीन अच्छा कुछ ऐसा है, मैं जस्ट अभी उठ के आया हूँ और अभी तो चाय वाय कुछ भी नहीं पी मैंने, तो नीचे चलते हैं और चाय वाय पी के आते हैं, ठीक है, जिसके बाद लोग कंटिन्यू करते हैं अपन। इधर आ गया हूँ मैं और इधर मेरी दादी मेरे लिए चाय भर रही है गिलास में, ठीक है। तो मेरी दादी, सो गाइस इधर देखो बाहर का माहौल, आप एकदम मस्त हो रहा है माहौल, धूप निकल रही है। फाइनली मैंने चाय पी ली है और अभी देखते हैं अपने कबूतरों को और आसपास का मौसम देखो यार कितना बिगड़ रहा है। देखो तो बारिश होने की आज भी संभावना है और पहले भी थी, ठीक है। तो मौसम बिगड़ रहा है 2-4 दिन से और जस्ट अभी गाँव से अपन कितने दिन रहे गाँव में रहे 5-7 दिन रहे, हाँ 7 दिन रहे, हाँ 6-7 दिन रहे गांव में। और पूरा जो घर में यहाँ पे नहीं था, फिर कबूतरों की ध्यान पूरी रोहित ने रखी, ठीक है। रोहित यहीं पे था और कबूतर देख लेते अपने, ठीक है। मैं गांव पे गया था जिसमें 2 कबूतर गायब हो गए मेरे, एक तो सफ़ेद और एक जो ये ऊपर वाला काला जंगली बेटा ना, ये इसकी मादिन गायब हो गई है, ठीक है। और इधर अपने राजू भाई का एक बच्चा कितना बड़ा हो गया देख लो आप, ठीक है। और इधर वाले बच्चे देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये मस्त बेटा है कबूतर, और ये वाला कबूतर बहुत गद्दारी करता है मेरे साथ। दिन में तो यहाँ पे रहता है लेकिन जैसे शाम होती है उधर निकल जाता है दूसरे कबूतर वाले के पास, ठीक है। अब पता नहीं इसका क्या जमती है। और इधर देखो, इधर खाना बना रहे हैं, खाना नहीं बना रहे, मंजन वगैरह कर रहे हैं मेरी दादी और मेरी मम्मी, ठीक है। मेरी साइकिल खड़ी उधर, और देखो आसपास का माहौल। और इधर वाले कबूतर भी आज खुले नहीं है गाइस, इधर वाले कबूतर को खोलते हैं और दाना डालते हैं अपन, ठीक है। आया आया आया। सो गाइस देख सकते हो पेटी मैंने खोल दी है और कबूतर भी अपने बाहर आने लग गए। देखो ये कालू भाई आ गया, तो बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ मैं इससे, ठीक है। आ जाओ आया आया, निकलो बाहर निकलो निकलो निकलो। और ये अपने मादिन देखो, आ जाओ आया आया आया। शायद मुझसे नाराज है ये, देखो मेरे पास नहीं आ रहे क्योंकि मैं नहीं था ना इधर बहुत दिनों का। और ये इनका बच्चा कितना बड़े हो गया यार देखो ये। तो गाइस कबूतर मजे से दाना खा रहे हैं, देखो यार ये तो दाना खाने देते बेचारों को, ठीक है। सभी कबूतर आ गए और अभी दो कबूतर गायब है मेरे, 2-3, ठीक है। और ये पानी का भर रखा है इनका। सो गाइस कबूतरों को मैंने बंद कर दिया, बूझ दिए इसके अंदर पेटी के अंदर, और अभी चलते हैं अपन नीचे, ठीक है। और इधर वाले कबूतर भी देखो बैठ गए अपने इसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन नीचे। गाइस अभी नीचे आ गया हूँ मैं और नीचे देखो यार ये मेरा भाई अभी तक सो रहा है, देखो सो रहा है, इसको सोने देते हैं। और इधर भी किराया, इधर चलते हैं। तो इधर चलते हैं, देखो ये भी सो रहा है पवन। सो गाइस देखो ये सो रहे नंगे पुंगे, तो सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते इनको। पंखा चल रहा है ऊपर देखो हेलीकॉप्टर, हाँ चलते हैं अपन। गाइस इधर वाले किरायादार के जो ताला लग रहा है और इधर वाला जो रूम था अपना किराए से दे रखा था वो खाली हो गया गाइस, खाली कर दिया उन्होंने क्योंकि उनके जो पेपर थे एग्ज़ाम वो पूरे हो गए, ठीक है। तो कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए उन्होंने, तो ये कमरा खाली कर दिया उन्होंने। तो बहुत बुरा लगा मेरे को क्योंकि बहुत दिनों से रह रहे थे वो, और एक दिन खाली कर दिया उन्होंने, कल तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। वो रहते थे तो मजाक मस्ती होती रहती थी, ठीक है। वो जो बड़ा वाला भैया था ना कृष्ण गुरानी, उसके मैं बहुत मज़े लेता था, उसकी वीडियो बनाता था, बहुत शर्माता था, छुपता था पीछे पीछे, ठीक है। और अभी क्या काम किया मैंने इधर एक खटिया रख दी मेरी, ठीक है। तो मैं जब भी एडिटिंग करने आता हूँ इधर जाता हूँ क्योंकि इधर बढ़िया मूड रहता है, साइलेंट मूड में, ठीक है मस्त। और ये बैग वगैरह का मेरा स्टडी करता हूँ तो रात में, ठीक है। तो देखो इधर खटिया वटिया रखी मेरी, तो चलते बाहर। सो
गाइस इधर आया था मैं खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह का कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो इधर तो मेरी दादी खाना बना रही है, पीछे देखो। तो गाइस मेरी दादी खाना बना रही है, तो गेहूं की रोटी और ये मक्के की रोटी बना रही है, देखो ये। तो भूख लगी थी, और इधर क्या बन रहा है पता नहीं। सो इधर आ गया हूँ, इधर बन रही गोभी की सब्ज़ी, देखो टेस्टी गोभी की सब्ज़ी। तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, फटाफट बनाओ उसको, खाता हूँ। सो गाइस फाइनल ब्रेकफास्ट लेके आ गया हूँ मैं कमरे में, और इधर आते लाइट चली गई यार, तो एक काम करते हैं लाइट पास लेते। सो गाइस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और फाइनली लाइट भी आ गई है, तो देखो लाइट आ गई है। और अभी एक काम करता हूँ, मैं भी नहा धो लेता हूँ, नहा धो के मिलता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैं नहा धो के आ गया हूँ छत पे, और अभी इधर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यार मेरे को, तो देखो यार कितने धूप है, सूरज पूरा वहाँ पे चला गया, ठीक है। और देखो अपने कबूतर मस्त इधर बैठे हैं, ठीक है। और एक किराएदारों के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, और एकदम मस्त धूप निकल रही है, कड़क कड़क एकदम गर्मी लग रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं नीचे चलते हैं अपन, तो यार गर्मी लग रही थी, ठीक है। तो चाय वाय भी नहीं पी अपन ने, तो चाय वाय अभी मम्मी आएगी, फिर चाय वाय बनाते अपन और चाय वाय पीते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, अभी चलते बाहर। देख सकते हो आप ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर लेके आए हैं बच्चे, इधर लाओ पास में। तो देखो ये कल मेले में गए थे, तो मेले में से लेके आ गए, तो अभी उड़ा के बताएंगे आपको, ठीक है। देखो ये उड़ा के बता, तो ये उड़ा के बताएगा आपको, ठीक है। सो गाइस हेलीकॉप्टर दिखाने वाला था, इतने में उसकी बैटरी डाउन हो गई, मतलब बैटरी नहीं थी उसमें, तो अभी चार्ज लगाया मैंने यहाँ पे, दिखा दूँ आपको। तो गाइस ये चार्ज हो रहा है यहाँ पे, देखो हेलीकॉप्टर। तो इसको चार्ज होने देते, तो गाइस इसको चार्ज होने देते, फिर जिसके बाद चला के बताऊँगा जरूर मैं आपको, ठीक है। और मम्मी ने चाय भी बना दी है, देखो तो चाय पीते फटाफट, ठीक है। सो गाइस चाय मैंने पी ली है, और अभी यार आवाज़ आ रही है इस पंखे की, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, फड़फड़ाना, ठीक है। और अभी अपना जो ये हेलीकॉप्टर है, ये भी तैयार है, मतलब घूमने के लिए रिमोट से उड़ाएंगे, ये हेलीकॉप्टर भी चार्ज के लिए लगाया था, ठीक है। तो अभी उसको उड़ाते हैं, देखा हो जाए या नहीं वो चार्ज, ठीक है, लेके जाओ उसको। सो गाइस अभी इसको हेलीकॉप्टर क्या है, ड्रोन, हाँ हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके आए हैं अभी, देखो। तो अभी उसको उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ता है या नहीं उड़ता, ले भाई उड़ा। सो गाइस मेरा भाई लग रहा है उड़ाने में, पता नहीं उड़ पाएगा या फिर नहीं। सो गाइस यार पोपट हो गया, ये क्या खराब लेके आ गया, और उड़ तो रहा है नहीं वो, लग रहे हैं हम फिर भी, कोशिश कर चल जाए, तो पता तो ही नहीं भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, लेके आ गया भाई, उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे। मैंने ब्लॉग में बाप बाप कर दिया कि उड़ाते हैं, ठीक है, तो ये उड़ाएगा ही नहीं, अब क्या करें, खराब है ये शायद। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये आज का ब्लॉग, यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। शादी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और आज घर पर आ गया हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रही है गाँव की, और दो दिन से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही मेरे को ठीक से, क्योंकि वहाँ सब दोस्तों के साथ, चाचा मामी सब एक साथ थे, मामा मामी सब, पूरे फैमिली के मेम्बर सभी वहीं थे, तो सबके साथ रह के बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे यहाँ पे है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, कोई बात नहीं। सो गाइस जो कोई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल कर लो सब्सक्राइब, और बेल ऑन कर लो, ताकि जब भी हमारा ब्लॉग है आपको सबसे पहले मिल जाए। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।